क्योंकि पृथ्वी तत्व से ही यह चक्र बना हुआ, पृथ्वी ने ही गणेश का तत्व हमारे अंदर दिया है। द एलिमेंट ऑफ अर्थ हैज मैनिफेस्टेड दिस विदिन अस, क्योंकि हमारे अंदर सारे ही एलिमेंट्स भी हैं, तो हमारे अंदर पृथ्वी का तत्व जितना भी शरीर में है वो सारा इसी से चलायमान है। इसलिए जब ये तत्व खराब हो जाता है या डिजीज हो जाता है, जब गलत काम करने से मनुष्य गलत रास्तों पे चला जाता है, तब आप देखते हैं कि जो जो बीमारियां अधिकतर हमें होती हैं वो हमारे अंदर फोड़े बन के निकलती, क्योंकि हमारा पृथ्वी तत्व खराब हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि पृथ्वी पर चलना चाहिए, नंगे पांव चलना चाहिए, इसे पृथ्वी तत्व जो है वो हमें हमेशा हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं उसको खींचते रहता है, निकालते। मैं कुआलालंपुर में गई थी, वहाँ पर वहाँ के जो स्पीकर साहब हैं उबेदुल्ला साहब, उनके घर में मेरा प्रोग्राम हुआ था। तो वहाँ हज़ारों आदमी आए और अधिकतर बीमार लोग थे। मैंने सोचा मेरे दो ही आते हैं, यहाँ कोई सहयोग भी नहीं, इतने बीमार आ गए, अब इनको ठीक कैसे करूँ। लेकिन उनके यहाँ बहुत अच्छा एक गार्डन था, तो मैंने कहा इस गार्डन में सबसे कहा तो आप बैठ जाओ जमीन पर, और मैंने पृथ्वी तत्व को जागृति दी। मैंने कहा खींच लो इनका दल खड़ा खट। एक सरदार जी थे, उनके लड़के को पोलियो की बीमारी हुई, उठ के चलने लग गया। इस तरह से पृथ्वी तत्व का बड़ा ही महत्व है। लेकिन अगर आप पवित्र हैं तभी तो ना आप पृथ्वी से कह सकते हैं, माँ से कि चल खींच, पिताजी कह सकते कि मुझे अपने पेट में ले ले, सब आदमी कह सकते हैं क्या? उन्हीं के लिए पृथ्वी तत्व खुलता है, अपने अंदर समा लेता है। और इसीलिए पृथ्वी तत्व से निकले हुए ये गणेश तत्व जो है यही असली गणेश, इसमें झूठ कुछ नहीं है। लेकिन इनकी मूर्तियां बना बना के जो घर में लोग बेचते हैं, ये सब गंदी मूर्तियां हैं। खरीदी हुई मूर्ति को कभी भी पूजना नहीं चाहिए। मैं सही बात बताती हूँ, कड़ी लगती है लोगों को, क्योंकि जो बनाता है उसकी भावना यह है कि इसको बेचने का है। ऐसे पैसे बेचने वाला, भगवान को बेचने वाला क्या मूर्ति बनाने का अधिकारी हो सकता है? क्या है हाँ? चूहा, गणेश की बात कर रही हूँ तो चूहा आके चला गया। हाँ गणेश, उसे चूहे ने कहा कि मेरी बात नहीं कर रही हो, गणेश जी की कर रही हूँ, मैं करने वाली थी, देखो इतने मंजिल पे चढ़ के चलाया, अभी मैं करने ही वाली थी तो चलाया। गणेश जी की सवारी चूहा, देखिए ये भी एक कमाल की चीज है, समझना चाहिए, बड़ा सिंबॉलिक, अपने यहां सारा जो है प्रतीक रूप है, सिंबॉलिक। कितनी बड़ी बात है कि चूहे की सवारी है, माने कितनी नम्रता होनी चाहिए। क्योंकि सबसे बड़े देवता हैं वो चूहे पे घूमते हैं, अपने यहाँ जरा से दो पैसे नहीं मिल गए तो गाड़ी बड़ी खरीदनी चाहिए, सबके सामने भाव भाव करके घूमना चाहिए, दिखाना चाहिए कि हम बड़े आदमी चले आए, चाहे वो ब्लैक का ही पैसा हो, चाहे वो किसी से मारा हो या ऐसे गुरु बन करके किसी से लूटा हुआ हो, सब दुनिया को दिखाते हो। गणेश जी जो कि सारे ही विजडम, सारे ही सुबुद्धि के अधिष्ठाता, उन्होंने अपना चूहा ही लिया, सबसे सादा उनका वाहन है। ये बड़ी भारी बात है, कितनी नम्रता होनी चाहिए। जिस आदमी में सुबुद्धि होती है उसकी समझ में आता है कि इन बाह्य उपकरणों से आप किसको यहां इंप्रेशन दे रहे हैं। आपके पास मोटर होगा तो होगी, हमारे किस काम की? बाह्य के कपड़े पहना, बाह्य से लोगों को दिखाना, ये कोई पवित्रता के लक्षण नहीं। ज्यादातर आप देखेंगे सिनेमा एक्ट्रेसेस होती हैं सफेद साड़ियां पहन के घूमेंगे, ऊपर पवित्रता के लक्षण लेके घूमना से कोई पवित्र नहीं होता, पवित्रता अंदर की थी। ये इस सिंबल का यह है कि मनुष्य के लिए उसकी पवित्रता उसके साथ, किसी और के लिए नहीं है। जो पवित्र है वो अंदर है, बाह्य में नहीं है।
शोबाजी में नहीं, मीरा बन के। और बहुतों ने लूटा है संसार में, मीराबाई बन गए और इसको लूट उसको खसोट। पवित्रता हमारी अपनी चीज, अपनी प्राइवेट चीज, उसके बारे में बोलने की भी जरूरत नहीं, वो प्रकटित होती है आपके मुख से ही, उसका तेज दिखाई देता। कोई औरत पवित्र होती है फौरन दिखाई देता है औरत पवित्र है, और आदमी भी उसको फिर छेड़ते नहीं, दूरी रहते। रावण जैसा आदमी डर गया। पर अपने देश में आदमी लोग ये नहीं समझते कि उनको भी पवित्र रहना बहुत जरूरी। वो सोचते हैं अपवित्रता का ठेका सिर्फ औरतों ने लिया। ये जिस दिन आदमी के समझ में आ जाएगा उसी दिन हमारी समाज व्यवस्था में संतुलन आ जाएगा। नहीं तो इंग्लैंड की औरतों को देख लो, उन सबको ठिकाने लगा दिया, सब आदमियों का अच्छा हाल बनाया हुआ है। सब वहां घाटी बन के घर में रात दिन मेहनत करते रहते हैं, औरतें उनके सर पे बैठी रहती। इसलिए अपने घर में जो स्त्री है उसकी पवित्रता की रक्षा करना, उसकी पवित्रता की दाद देना, और स्वयं भी पवित्र बन करके उसके पवित्रता को चार चांद लगाना हर एक पुरुष का कर्तव्य है। अगर 10 औरतें पवित्र हैं और उनके अगर पति पवित्र नहीं है तो 10 में से 5-6 जरूर खराब हो जाएंगी। ये सोच करके कि हमारे पति अगर सीधे रास्ते नहीं चल रहे हैं तो हम काहे को ठीक बने रहे। और अगर आप पवित्र हैं तो आप किसी को कुछ देते नहीं, आप खुद ही पाते हैं। एक पवित्र इंसान अपनी एक तेजस्विता लेकर के रहता है, एक उसकी शान होती है। शास्त्री जी का आपको उदाहरण है, थोड़े दिन उन्होंने इस संसार में रहे लेकिन आज भी लोग उनके नाम को सुनते रोने लग जाते हैं। उनके मरने के बाद भी किसी ने उनके खिलाफ किताबें नहीं निकाली कि इस औरत के पीछे में भागते थे कि वो करते थे। ये ओछेपन की बातें हम जब अपने जिंदगी में कर रहे हैं तो जिंदगी के बाद तो लोग निकालेंगे ही, ऐसे आदमी का कोई मान भी नहीं करता। जबानी जमा खर्चा आप देख लीजिए किसी को भी। अगर आपने कोई ऐसा काम करके रखा है आपके सामने, हाँ कैसे हैं आप, हाँ बड़े नेताजी बैठी ये वो चीजे जा कहेंगे, अरे वो बदमाश आदमी, छोड़ो अपनी बीवी बच्चों को ले जाने लायक नहीं, उसको काहे को घर में बुलाया, वो क्लब में बुलाते उसको। ऐसे लोग कहते हैं ना, आप लोग भी कहते हैं कि नहीं, तो फिर अपने जीवन में भी उसी तरह का होना चाहिए कि लोग कहें एक आदमी ऐसा है कि सवेरे देख लीजिए तो हाँ ये कहाँ से देवता चले आए। लेकिन आप सोचते हैं कि दूसरा ऐसा हो, मैं कह रही हूँ आप ऐसे होइए। हर एक आदमी ऐसा हो सकता है अगर उसकी कुंडलिनी जागृत हो जाए और वो पार होकर के अपने को स्थित कर ले। कितना शक्तिशाली और सबल हमारा देश हो जाए जिस दिन हम लोग अपने को पूरी तरह से बदल के पवित्रता के धुरी पे खड़े जाए। कौन सी भी आप शाही लाओ, नौकरशाही लाओ, घोड़ाशाही लाओ, गाड़ी शाही लाओ, उससे कुछ अंतर अपने देश में नहीं आने वाला। हुकुम शाही लाओ और क्या क्या शाहियां हैं, इससे कुछ ठीक नहीं होने वाला। जब तक मनुष्य अपनी पवित्रता पे खड़ा नहीं होगा वो स्वतंत्र नहीं हो सकता। पवित्रता आपको स्वतंत्रता दे देगी, नहीं तो आप बंधन में फंसे हैं अपवित्रता के। कभी आपने ये भी सोचा है कि अपवित्रता आपको किस तरह से जकड़ लेती है, गंगी किस तरह से आपको चारों तरफ से पकड़ लेती है, आप कहीं चल भी नहीं सकते, कुछ कर भी नहीं सकते। जब तक आपके अंदर ये सुंदर चीज पूरी तरह से प्रकाशित नहीं होती, आपके अंदर वो सुगंध जब तक नहीं फैलती, तब तक आपके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं। और वो इतनी सरल है, उसके लिए कुछ पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कुछ किसी से मांगने की जरूरत नहीं, ये तो मुफ्त में ही आपके अंदर है ही, जिसको पाना है और जानना है। फिर जब आप ही ठीक होंगे आपके बच्चे भी ठीक होंगे।
बहुत से लोग मुझे ऐसा भी कहते हैं कि माँ हिंदुस्तान में इसलिए इतनी खराबी आ गई क्योंकि सिनेमा बहुत खराब है। सिनेमा आप ही देखते हैं, वो सिनेमा चल ही नहीं सकता जो फैमिली वाला नहीं हो। तो फैमिली वाले सिनेमा में जो खराबियां हैं उसको निकालिए, जिससे आपके बच्चे खराब जाते हैं उसके लिए मना ही करिए, नहीं ये चीज नहीं चाहिए हमको। इसमें अपना देश फैमिली पे चलता है, अगर कोई अकलमंद हो तो वो फैमिली वाला पिक्चर बनाता है जिसमें सब फैमिली आ सके। एक एक आदमी आएगा तो कितने पिक्चर में आएंगे, चोरी छिपे आएंगे तो कितने आएंगे। खुलेआम जो आ सके वही अपने देश में चलेगा, दूसरे देशों की बात और। इसलिए किसी भी चीज पे दोष देने की बात नहीं जीवन में होनी चाहिए। अपने ही अंदर अपने को देख करके मनुष्य को अपनी पवित्रता बनानी चाहिए और उसका पूजन करना। हम जब गणेश को पूजन करते हैं तो यही सोचना चाहिए कि हे गणेश हमारे अंदर भी तुम जागरूक हो जाओ पूरी तरह से। तो ऐसे करने से ही, इस तरह से ही आप देखिएगा कि आपका पूरा जीवन ही बदल जाता है। सहज योग में जब कुंडलिनी जागरूक हो जाती है तो पहला जागरूक होता है सो गणेश, उनके जागे बगैर कुंडलिनी नहीं जागती। अगर किसी आदमी में पवित्रता का अंश मात्र भी न हो, ऐसे तो कोई होते नहीं, राक्षस ही होते ऐसे अधिकतर, ऐसा तो कोई होता ही नहीं जिसमें अंश मात्र भी न बचा, पर ऐसा अगर कोई हो उसके कुंडलिनी जागरण का कोई भी इंतजाम नहीं हो। जो लोग ऐसे गुरुओं के पास जाके आते हैं जिनके गणेश तत्व टूट गए हैं वो भी मुश्किल से पार होते हैं, तकलीफ होती है बहुत, पर उनको भी कर देते हैं, हो जाते हैं। ये पहला तत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है, उसको नमस्कार करके आपको ध्यान में जाना चाहिए। और पार होने के बाद भी इस तत्व को सबसे ज्यादा संभालना चाहिए, उसको किसी से कहना नहीं चाहिए, वो अपने अंदर संभालने का। जैसी सबसे बड़ी पूंजी संसार में, सबसे बड़ा हीरा आपके पास है, उस तरह से इसको जपना है। मैं कोई नई बात नहीं बता रही हूं, और पुरानी बात आजकल लोगों को भाती नहीं, लेकिन जो असली बात है वो हमेशा ही नई रहती है, क्योंकि झूठी बात खड़ी होकर मिट जाती है और असली बात हमेशा ही बनी रहती है, इसीलिए उसे अविनाशी सत्य कहा जाता है। आज एक ही चक्र पे मैं बोली हूँ, इसके अलावा अभी आप लोगों को सबको पार कराना है और आप लोग सब बहुत चाहते हैं, गणेश की वंदना करके हम लोग ध्यान करेंगे। लेकिन आप पहले मुझे कुछ सवाल पूछना हो तो पूछ लीजिए। हाँ, अब ये जब मैं वो बताऊंगी ना तब। अच्छा, नहीं ऐसा है, खालसी बाजू जी आए तो पानी है, पण रंग हिरवा दिसतो त्याला आणि वरती आकाश तत्व उतरत आहे खाली, पृथ्वी तत्व, पृथ्वी तत्व ये हाँ वो तो करना होता है। हाँ, पर उसका विधि बहुत फर्क है, जैसे कि आज तक आप लोग करते आए हैं वैसा नहीं होता। माने पार होने के बाद आप ये समझ सकते हैं कि आपका कौन सा चक्र पकड़ा है, क्योंकि आपके उंगलियों में जलन होने शुरू हो जाती जहाँ जहाँ चक्र पकड़ा है। ये चक्र कौन से हैं, कौन से सिंपथेटिक चक्र हैं, जैसे गणेश तत्व यहाँ पर है, ये गणेश जी का चक्र यहाँ पे होता है, अगर इसमें पकड़ हो जाए तो लेफ्ट में पकड़ हो जाए या राइट में पकड़ हो जाए तो उससे क्या क्या दोष होते हैं, फिर उसको किस तरह से ठीक करना चाहिए। अब अगर समझ लीजिए आपका गणेश तत्व पकड़ा है तो आपको गणेश जी का ही गणेश जी की आराधना करके और अपने गणेश तत्व को ठीक करना चाहिए। पर अगर आपका दूसरा चक्र पकड़ा है तो फिर उसको आपको आराधना करनी चाहिए और उसको ठीक करना चाहिए। पर गणेश तत्व को ठीक करने के लिए जरूरी नहीं कि
आप गणेश जी की ही आराधना करें। अगर आप गणेश जी की करें तो ठीक है, और अगर गणेश की नहीं करना चाहें तो सिर्फ पवित्रता की भी करें तो भी हो सकता है। पवित्रता और गणेश जी में कोई अंतर नहीं। इस प्रकार कुंडलिनी क्योंकि सहयोग में इस तरह से जोर से उठती है। सभी सहजियों से विनती है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।